नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी विन प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, हम जो मैच कवर करने वाले हैं शारजहाँ सी बी एफ एस टी10 का पांचवा मैच है, जो कि दोस्तों में खेला जाएगा। आई जी एम एस ए सी सी टीम्स के बीच डिप्लेंस करेंगे इस वीडियो में फुल स्टार्स प्रेजेंट पो। दोनों टीमों के एक प्लेयर के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो लाइक करके आपने शुरुआत करना। दोस्तों, मैच का जो फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो जल्दी से आगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, कभी कभार इतने को वर्क नहीं करता तो फिर सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके सर्च करें @realFWP, आपको फैंटेसी विन प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 7000 के आसपास सब्सक्राइबर का चैनल होगा, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। हमारे नाम से कुछ फेक चैनल बने हैं तो उनसे आपने सावधान रहना। हमारे रियल चैनल पर जुड़ने का बेस्ट तरीका इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में जो लिंक है, आप लिंक से क्लिक करके ज्वाइन करेंगे तो आप डायरेक्टली रियल चैनल ज्वाइन होंगे। तो पहले लिंक से ज्वाइन करिएगा, और कभी कभार लिंक वर्क नहीं करता तो फिर जाकर टेलीग्राम में सर्च करिए और यहाँ पर सेम यूजर नेम देख के 7000 के आसपास सब्सक्राइबर देख के हमारे रियल टेलीग्राम चैनल को ही आपने ज्वाइन करना है। दोस्तों, बात करें मैच की तो मैच अब से कुछ देर बाद रात में 9 बजे से स्टार्ट होगा, और दोस्तों मैच होने वाला है शारजहाँ क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैं एक विकेट की, तो बैलेंस विकेट मान के आपने अपनी टीम क्रिएट करनी है। बॉलर्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, स्कोरिंग बहुत ज़्यादा ईजी यहाँ पर रहता नहीं है, लेकिन दोस्तों जो हीटर टाइप के बैट्समैन होते हैं वो वहाँ पर जनरली अच्छा स्कोर करते हैं। जैसे आसिफ खान टाइप के प्लेयर हो गए, बहुत बहुत ज़्यादा तगड़ी हिटिंग करते हैं, तो ये लोग यहाँ पर सक्सेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ की बाउंड्री थोड़ा छोटी होती है, तो ये बैट्समैन को भी यहाँ पर एडवांटेज रहता है। जो विकेट टू विकेट जो बॉलर बॉल को रखते हैं उनको यहाँ पर जनरली अच्छा विकेट मिलते हैं। 100 से 120 के बीच आपको स्कोरिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। पहले दोस्तों हम बात करेंगे आईजीएम टीम्स की, तो उनका एक मैच ही और टीम पहला मैच अपना जीत के आ रहे। इनकी तरफ से आपको ओपनिंग करते देखेंगे आसिफ खान और ऐसे संदीप सिंह। बात करें दोस्तों आसिफ की, लास्ट गेम में 36 रन का स्कोर किया था, अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज हैं। टी10 के अंदर 9 मैच में 321 रन का स्कोर किया, 40 का बैटिंग एवरेज है, और टी10 में 40 का एवरेज है, तो आप समझ सकते हैं किस टाइप से बैटिंग करते हैं। तो मस्ट हैव पिक है, मैंने कैप्टनसी का बड़ी ऑप्शन रहेंगे। संदीप सिंह की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन प्लस कीपिंग भी हो सकता है, कीपिंग तो मोस्ट प्रॉब्ली इस टीम से यासिर कलीम को करना चाहिए। ये दोनों एज अ विकेट कीपर खेलते हैं, लेकिन कलीम मोस्ट प्रॉब्ली कीपिंग करेंगे, देखते हैं कौन कीपिंग करता है, लेकिन दोनों ही अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज हैं। संदीप मोस्ट प्रॉब्ली ओपन करेंगे आसिफ के साथ, यासिर कलीम वन डाउन खेलेंगे। तो ये तीन आपकी टीम में मस्ट हैव पिक होंगे, क्योंकि तीनों टी20 के बहुत बड़े प्लेयर हैं। संदीप की बात करें, 7 टी10 के अंदर उन्होंने 97 रन का स्कोर किया है और 16 का बैटिंग एवरेज है। दोस्तों कलीम का टी20 का स्टैट्स है, 51 टी20 मैच के अंदर इन्होंने 2100 करीब रन किए हैं, 53 का बैटिंग एवरेज है। तो टी20 में 53 का एवरेज बहुत होता है, बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज हैं, तो तीनों आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। वन साइडेड सिंगल हैंडेड मैच जिताने की क्षमता तीनों बैट्समैन रखते हैं। थ्री डाउन देखते हैं, यहाँ पे आपको नंबर 4 पे 2 डाउन बैटिंग करते हुए देखेंगे बाबर का जनफर। कुछ खास पिक है नहीं, सिर्फ 5 के एवरेज छोड़ दीजिएगा, लास्ट मैच भी 2 ही रन का स्कोर किया। तकीर ऐसा राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर है, 11 मैच के अंदर 157 रन है 22 के एवरेज से और 8 विकेट हैं। लास्ट गेम में यहाँ पे 2 ओवर डाले, 1 विकेट लेने में सफल रहे और 5 रन का बल्ले से स्कोर किया। आपको 2 ओवर पूरी बॉलिंग कराते हुए नजर आएंगे, और साथ में शुरुआत में 1 ओवर डालते हैं नई बॉल से, और साथ में 1 ओवर डेथ में भी डाल सकते हैं, तो मस्ट हैव पिक रहेंगे। प्लस नंबर 5 पर बैटिंग भी आप कर सकते हैं, तो सीबीसी के भी एक अच्छी पिक आपके लिए रहने वाले हैं। विष्णु सुकुमारन की बात करें, बहुत नीचे खेलेंगे तो छोड़ दीजिएगा। आसिफ मुमताज इस टीम के मोस्ट पब्लिक कैप्टनसी करेंगे, लेकिन खुद अपने आप को बॉलिंग नहीं दे रहे और ज़्यादा ओवर कराते भी नहीं। टी10 के अंदर 5 गेम में सिर्फ 7 ही ओवर डाले हुए, तो मोस्ट पब्लिक करेंगे नहीं। बात करें दोस्तों जी को बालकृष्णन की, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, लास्ट गेम पूरे 2 ओवर गए थे, विकेट लेस गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस मैच में रहेगा। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हमेशा परेशान करता है, तो आपको मस्ट हैव पिक है। यदि आप इनका ओवरऑल करियर देखेंगे टी10 के अंदर, तो 16 गेम के अंदर उन्होंने 26 ओवर टी10 में डाले हुए और 19 विकेट लेने में सफल रहे हैं। नीचे देखेंगे लुकमान हजरत, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है, देखते हैं इनका बॉलिंग करना लगभग कंफर्म है। लास्ट गेम में 2 ओवर डाल के 2 विकेट निकाले, मस्ट हैव पिक है। शुरू में 1 ओवर डालेंगे, डेथ में 1 ओवर डालेंगे, 5 गेम के अंदर 8 ओवर डाल के यहाँ पे 4 विकेट उन्हें झटकाए हुए थे टी10 के अंदर, लास्ट गेम में 2 विकेट लेने में सफल है। आपकी टीम का मस्ट हैव पिक है, जरूर होना चाहिए। बात करें दोस्तों शहनवाज खान की, लास्ट गेम में 2 ओवर डाले, विकेट लेस रहे, और हालांकि ये दोनों दोस्तों 6 बॉलर मोस्ट प्रोबेबली इसको रहना चाहिए था, लेकिन 5th बॉलर हो गए, पूरे ओवर लास्ट गेम में डाल दिए, लेकिन जनरली पूरे ओवर कराते नहीं हैं। इससे पहले जो उन्होंने 6 टी10 खेले थे वहाँ पर सिर्फ 5 ओवर डाले हुए थे, लास्ट गेम में जरूर 2 ओवर डाला, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेंगे, 2 ओवर करा रहे हैं, जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। तैमूर की बात करें, इनका 2 ओवर लगभग कंफर्म आपको मिलेगा, लास्ट गेम में 1 विकेट निकालने में सफल है, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। लास्ट गेम पर ये किसी भी फैंटेसी ऐप पर ऐड नहीं थे, तो इसलिए इनका पॉइंट आपको सभी फैंटेसी ऐप पर 0 शो करेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बॉलर है, अच्छा पिक है। अब दोस्तों इनके जो मेन बॉलर हैं जो 2 ओवर की बॉलिंग डाल सकते हैं इस मैच में, जिनका ओवर कट नहीं होगा, उनमें से एक है टी रियासत, ये 2 ओवर अपने कंफर्म करा के जाएंगे। गोपाल कृष्णन का भी 2 ओवर कंफर्म है, लुकमान हजरत का भी 2 ओवर कंफर्म है, तो 6 ओवर यहाँ से हो गए, और तैमूर भी मोस्ट प्रोबेबली अपने 2 ओवर डाल के जाएंगे, तो 8 ओवर हो गए। बाकी दोस्तों जो ओवर बचेंगे 2 ओवर, तो वो शहनवाज खान और यहाँ से आसिफ मुमताज भी रहेंगे, इनके बीच में 1-1 ओवर भी डिवाइड हो सकता है। हालांकि लास्ट मैच में शहनवाज खान ने पूरे 2 ओवर कर दिए थे, आसिफ को बॉलिंग नहीं मिली थी,
लेकिन यदि शहनवाज की पिटाई हो जाती है पहले मैच में तो मोस्ट प्रॉब्ली आसिफ को एक और आप करते हुए देख सकते हैं। तो इनका कुछ बॉलिंग ब्रेकअप रहेगा। बाकी दोस्तों आपके सामने बैटिंग का हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये टॉप थ्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस इनके जो इन टॉप थ्री ये तीन बैट्समैन कवर कर सकते हैं, प्लस इनके जो मैंने चार मेन बॉलर बताए जो अपने दौर कन्फर्म डालने वाले हैं, उन बॉलर्स को आप कवर करके अपनी टीम बना सकते हो। तो दोस्तों हम बेंच में के कुछ प्लेयर हैं, सिबी रुजवान वगैरह खेलेंगे नहीं मोस्ट प्रॉब्ली, इनका इंटरनेशनल टीम सी यू ए से जुड़े हुए हैं। बासिल हामिद और यू ए का सीरीज चल रहा था, अभी ओमान का अंगेस्ट चल रहा था, अब शायद उनका स्टार्ट है आयरलैंड का अंगेस्ट होने वाला है, तो ये लोग नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम दूसरी टीम ए सी सी की, जो कि न्यू टीम है और इनका पहला मैच है आज। लेकिन एक बार फिर बता दूँ, फाइनल अपडेट फाइनल टीम सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, जिसका लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। यदि आप अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो सच में काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो, जल्दी से आगे जुड़ जाइए। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों इनकी तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे यहाँ पे फवाद जलील और ऐसे जफर नकवी। बात करें दोस्तों फवाद की, इनका टी20 का स्टैट्स है, 103 गेम के अंदर 3400 करीब रन किए हैं, 41 की ओवरेज से और 13 विकेट लेने में सफल रहे 47 ओवर डाल के। अब 103 मैच में 47 ओवर की बॉलिंग कराई हुई है, मतलब पर मैच एक ओवर भी नहीं पड़ रहा टी20 में, तो टी10 में तो कराने के चांस ही नहीं है। तो मोस्ट प्रॉब्ली बॉलिंग करेंगे नहीं, जितना भी स्कोर करेंगे बैटिंग से करेंगे, और बैटिंग से टी20 के अंदर 41 की ओवरेज, तो मतलब एक बढ़िया बैट्समैन है, अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज है, तो अपनी टीम में एज अ प्लेयर जरूर ट्राई कर सकते हो। सीबीसी नहीं बनाएगा क्योंकि सामने वाली टीम के पास बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो हो सकता है उतना ज्यादा स्कोर ना कर पाए। जफर नकवी की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, राइट मीडियम पेस बॉलर है, 72 टी20 को ओवरऑल खेले हुए कैरियर में, जहां पे 1200 करीब रन किए हैं, 25 की ओवरेज से 42 विकेट चटका है, 179 ओवर डाल के। तो ये टी20 72 गेम में 179 रन, 2 से 3 ओवर जरूर डालते थे टी20 में, तो यहाँ पे आप इनसे एक आध ओवर की उम्मीद कर सकते हैं, आपको एक आध ओवर डालते हुए देख सकते हैं, हो सकता है एक ओवर करा जाएं। और बैटिंग से तो ठीक ठाक पिक है, डिसेंट चॉइस है, तो अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई कर सकते हो। बिलाल सलीम की बात करें दोस्तों, राइट हैंड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलिंग कराते, लेकिन 4 गेम के अंदर उन्होंने 31 रन किए हुए टी10 के अंदर, और यहाँ सिर्फ एक ही ओवर डाला हुआ है 4 गेम में, तो उतने कुछ खास पिक रहेंगे नहीं, जीएल के अंदर ज़्यादा बेहतर चॉइस रहेंगे। बात करें दोस्तों फवाद जफर की, राइट हैंड बैट्समैन, लेग स्पिन कराते हैं, 58 टी20 के अंदर 3700 करीब रन है, 33 के ओवर से 215 विकेट है, तो 58 मैच में 215 है, मतलब अच्छी खासी विकेट टेकिंग एबिलिटी है, तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली 1 से 2 की बॉलिंग करते हुए देख सकते हैं, प्लस बैटिंग से बैकअप देंगे, तो सीधे सीधे आपको अपनी टीम में कवर करना है। रिहान डोरी की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलिंग कराते हैं, 109 गेम के अंदर 1600 करीब रन है और 3 विकेट है, तो बॉलिंग तो कराने के चांसेस ही नहीं है, 109 मैच में 3 विकेट है, बैटिंग से जरूर आपको बैकअप दे सकते हैं, तो जील के अंदर जरूर ट्राई कर लीजिएगा। एमडी एहसान की बात करें दोस्तों, राइट हैंड बैट्समैन है और 132 गेम इन्होंने आपको खेले हुए हैं टी20 के, जहाँ पे 3400 करीब रन है और 159 ओवर डाल के 47 विकेट उन्होंने चटकाए हुए हैं, तो 132 गेम में 159 ओवर टी20 के अंदर, मतलब पर मैच टी20 में एक आध दो ओवर ही डालते थे, तो यहाँ पे बॉलिंग करने के बहुत कम चांसेस हैं, देख करेंगे भी तो एक आध ओवर डाल सकते हैं, किसी का पिटाई वगैरह हो गया तो, नहीं तो बॉलिंग के चांसेस कम हैं। बात करें दोस्तों उसामा सलीम की, ये इंपॉर्टेंट है कि राइट हैंड बैट्समैन, ऑफ स्पिन कराते हैं, 51 टी20 के अंदर 27 की ओवर से उन्होंने 800 करीब रन किए हैं और 50 विकेट लेने में सफल रहे, तो आपको एक आध ओवर डालते हुए दिख सकते हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। अब्दुल्ला गाजी की बात करें, 73 मैच में 1200 करीब रन है, 25 की ओवर से 45 विकेट है, जेल ट्राई करिएगा, स्मॉलिंग में आपके लिए रिस्की रहने वाले हैं। नीचे देखेंगे दोस्तों आपको जोसेफ जेम्स, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स बॉलर, 5 मैच में यहाँ पे 6 ओवर डाले हुए, 2 विकेट छोड़ दिए, कुछ खास पिक है नहीं। मोहम्मद हिलाल की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड मीडियम पेस बॉलर है, राइट हैंड पेस बॉलर है, 89 गेम के अंदर इन्होंने 279 रन किए हुए टी20 में, और ओवरऑल करियर का स्टार्ट था यहाँ पे 126 विकेट चटकाए हुए, तो 89 गेम में 126 विकेट बहुत अच्छी बॉलिंग है, ये आपको अपने पूरे 2 ओवर डालते हुए नजर आएंगे, तो इनको भी अपनी टीम में जरूर ट्राई करना है। फवाद यहाँ पे हुसैन को जेल के अंदर ट्राई करिएगा, स्मॉलिंग में रिस्की रहेंगे, 46 गेम के अंदर 51 विकेट है, 27 ओवर डाल के, तो जेल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। बेंच में कुछ ही प्लेयर दोस्तों, बेंच इनका कोई लाइनअप में आएगा तो स्टैट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो दोस्तों आपके सामने एसीसी का परफॉर्मेंस है, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 बिट बैटिंग ऑर्डर में आपको ही देख सकता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे जो आपको आईजीएम की टीम देख रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली इन्हीं को मैच जीतना चाहिए, ये लोग स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और इनके प्लेयर करंट में क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, तो ये लोग मतलब जीतने के चांसेस पूरी तरह से आईजीएम के ही मुझे लग रहे हैं। अब दोस्तों इस मैच का टीम के, चलिए हम टीम देख लेते हैं, लेकिन फाइनल टीम फाइनल अपडेट सब कुछ आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा, लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, क्लिक करिए तुरंत टेलीग्राम चैनल से एंट्री ले लीजिए। तो दोस्तों इस मैच का टीम के, चलिए हम टीम देख लेते हैं। दोस्तों जो मैं आपको टीम प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, ये प्ले स्पॉट एप्लीकेशन पे दिखा रहा हूँ, इसका क्रेडिट और पॉइंट सिस्टम सेम अपने 11 एप्लीकेशन के जैसे होता है, तो आप चाहें तो सेम टीम यूज कर सकते हैं, आप जिस भी फैंटेसी ऐप में खेल रहे हैं, यदि आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो वीडियो को इन यूज करके अपने हिसाब से आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। मेरी टीम अभी के लिए स्मॉल लीग है, विकेट कीपिंग सिस्टम से मैं यासिर कलीम और ऐसे संदीप सिंह दोनों के साथ जाऊंगा, और यहाँ से बैटिंग सिस्टम ने आसिफ खान को लिया हुआ है, और यहाँ से एफ कपूर मेरे पास है, और यहाँ से जी नकवी के लिया हुआ है, ऑलराउंडर सेक्शन मैंने टी रियासत, तो यहाँ से यू सलीम के साथ जा रहा हूँ, बॉलिंग सेक्शन मैंने एम तैमूर, एल हजरत, और यहाँ से गोपाल कृष्ण और
तरह से हिलाल के साथ जा रहा हूँ। दोस्तों स्ट्रॉन्ग टीम आईजीएम की टीम है, तो इसके हमने 7 प्लेयर पिक किए, इसके हमने टॉप ऑर्डर के तीनों बैट्समैन कवर कर लिए, ये दोनों आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, वनडे हम कल ही बैटिंग करेंगे। तो टॉप थ्री के हो गए, जिनकी बॉलर की बात करें आईजीएम की, तो रियासत दौर की बॉलिंग कराएंगे, तैमूर दौर की बॉलिंग कराएंगे, हजरत दौर की बॉलिंग कराएंगे, गोपाल कृष्णन दौर की बॉलिंग कराएंगे। तो इनके 4 बॉलर कन्फर्म है जो कि आपको 8 ओवर तक डाल के देने वाले हैं, प्लस जरूरत पड़ी तो नंबर 5 पर बैटिंग भी आपको करके दे देंगे। अब दोस्तों यदि कैप्टन की बात करें तो मैंने आसिफ खान किया, वाइस कैप्टन कलीम किया, कलीम को विजिट करने का रीजन है दोस्तों ये आपको विकेट कीपिंग करेंगे प्लस वन डाउन बैटिंग करेंगे, तो आपको वहाँ से भी कुछ पॉइंट दे सकते हैं, तो इसलिए मेरे वीसी हैं। बाकी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहें तो आप सिंह को वाइस कैप्टन कर सकते हो, ओपन करेंगे, अटैकिंग नहीं देखकर बल्लेबाज हैं, लेकिन वैसे कीपिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा हिट और मिस है। बॉलर में आप ट्राई करना चाहें तो आईजीएम के आप किसी भी बॉलर को बना सकते हो, ये जो मैंने सारे बॉलर लिए हूँ सारे सबके दो दो बार आपको डालते हुए दिखने वाले हैं। तो अभी के लिए हमारा टीम कुछ ऐसा है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं, इस मैच का फाइनल टीम आपको ऑप्टर टॉस हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आपने तुरंत टेलीग्राम पर एंट्री ले लेनी है। फाइनल अपडेट मैच फाइनल टीम सब कुछ आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। और दोस्तों ये जो मैंने आपको टीम प्रीव्यू दिखाया प्ले स्पॉट एप्लीकेशन पर दिखाया, तो यदि आप लोग प्ले स्पॉट पर खेलना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो आप वहाँ से जाकर साइनअप कर सकते हैं, ट्रस्टेड ऐप है, आप चाहें तो खेल भी सकते हैं इसमें, मतलब खेल सकते हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म मैं भी खेलता हूँ, तो टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा, साइनअप कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, आफ्टर टॉस फाइनल टीम आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, ख्याल रखना अपना, थैंक यू सो मच।